फीटल हेड डायमीटर, फीटस हेड के फ़ोर डायमीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर ये समझ आ जाए तो फीटस हेड की ड्यूरिंग डिलीवरी उसकी प्रेजेंटेशन, लाए पोजिशन हर पॉइंट समझ में आ जाएगा ये हमारे पास है ऑसिपिटल रीजन ये सब ऑसिपिटल रीजन दिस इज ब्रेगमा एंड दिस इज मेंटल रीजन और ये सब मेंटल रीजन ये सबसे ज़्यादा कॉमन डायमीटर होता है इसको हम कहते हैं सब ऑसिपिटो ब्रेगमा डायमीटर इसकी माइरमेंट होती है नाइन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर लॉन्ग सबसे ज्यादा जो फिटस डिलीवरी के दौरान इस डायमीटर के साथ प्रजेंट करता है दूसरा डायमीटर होता है वर्टिकल या इसको हम ऑसिपिटो ऑसिपिटोमेंटल डायमीटर भी कहते हैं इसकी मायरमेंट थर्टीन सेंटीमीटर होती है ठीक है ये वाला हमारे पास है सब मेंटो ब्रेगमा डायमीटर इसकी मायरमेंट भी नाइन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर होती है जो कि सब मेंटल रीजन से ब्रेगमा रीजन तक एक्सटेंड करता है और जो फोर्थ डायमीटर है दैट इज ऑसिबिटो फ्रंटल डायमीटर इसकी मेजरमेंट होती है इलेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर लॉन्ग ड्यूरिंग डिलीवरी ये फाइव पॉइंट्स है जिनको कंसिडर करते हैं एक फीटस की लाए एक प्रेजेंटेशन एटीट्यूड पोजिशन और स्टेशन लाए क्या होती है लाए होती है कि मदर और फीटस के लॉन्गील एक्सिस का रिलेशनशिप ये वाले जो लंबी वाली एक लाइन मैंने ड्रॉ की है ये मदर का लॉन्गील एक्सिस है ठीक है अब फीटस का जो लॉन्गीट्यूडनल एक्सिस है वो मदर के लॉन्गीडनल एक्सिस की तरह अगर होगा तो उसको हम कहते हैं लॉन्गीट्यूडनल लाए और अगर फीटस का जो हमारे पास एक्सिस uh, है अगर वो मदर के लॉन्गीडनल एक्सिस के हॉरिजॉन्टल होगा तो इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स लाए ठीक है प्रेजेंटेशन क्या होती है कि फीटस का कौन सा पार्ट मीन बॉडी का कौन सा पार्ट मदर के पैलविस से प्रेजेंट कर रहा है अगर हेड प्रेजेंट कर रहा है उसको हम कहते हैं कफालिक प्रेजेंटेशन और अगर बटक प्रेजेंट करी उसको हम कहते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन एटीट्यूड होता है कि फीटस के हेड की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसको हम कहते हैं एटीट्यूड अब वो फ़ीटस का हेड जब मदर के पैरविस में से प्रेजेंट करता है तो वो हमारे पास फ्लेक्स्ड पोजीशन में भी हो सकता है हाइपर फ्लेक्स या एक्सटेंडेड या फुली एक्सटेंडेड किसी भी पोजीशन के अंदर फीटस का हेड अगर प्रेजेंट करेगा तो ये जो डिग्री ऑफ फ्लेक्शन और, और एक्सटेंशन है इसको हम कहते हैं एटीट्यूड पोजीशन क्या होती है कि फीटस का हेड मदर के Uh, किस मदर के पेल्विस के रिलेशन में हम पोजीशन बेसिकली देखते हैं बेसिकली इसके अंदर हम फेस का इंटीरियर साइड देखते हैं अगर तो फेस की फीटस के फेस की इंटीरियर साइड मदर के पेल्विस के इंटीरियर साइड की तरफ है तो उसको हम कहते हैं इंटीरियर पोजीशन और अगर फीटस के फेस की जो साइड है वो मदर के पेल्विस के पोस्टीरियर साइड पर है तो उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर पोजिशन ये मैं सारे पॉइंट्स आपको अभी फिगर्स से दिखाती हूँ और स्टेशन हम कहते हैं कि फीटस का हेड कितना डिसेंड किया है कि ये मदर का पेल्विस है और ये फीटस का हेड है इसमें हम एक रेफरेंस पॉइंट एक स्टैंडर्ड पॉइंट कंसिडर करते हैं स्केल सुपाइन को स्केल सुपाइन के रेफरेंस से हम देखते हैं कि कितना पार्ट फीटस के हेड का प्रजेंट किया डिसेंड किया है फर्स्ट ऑफ ऑल लाए एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस ये हमारे पास है लाई ये मदर का लॉन्गीट्यूडनल एक्सिस है अगर फीटस का लॉन्गीडनल एक्सिस मदर के लॉन्गीडनल एक्सिस की तरह ही होगा उसको हम कहते हैं लॉन्गीट्यूडनल लाई ये भी लॉन्गीट्यूडनल लाई है और ये भी लॉन्गीट्यूडनल लाई है लेकिन अगर फीटस की जो प्रेजेंटेशन है वो मदर के लॉन्गील एक्सिस के हॉर्जोंटल होगी तो इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स लाए प्रेजेंट present, प्रेजेंटेशन क्या होती है कि कौन सा फीटस का हेड मदर के पैलवस में से नजर आएगा या प्रेजेंट करेगा उसमें से पास करेगा सबसे पहले तो इसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन इस केस में हमारे पास वर्टेक्स प्रेजेंट हो रही है इस केस में हमारे पास बटक प्रेजेंट हो रही है तो इसको हम कहते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन बी फॉर बटक बी फॉर ब्रीच और इसके अंदर शोल्डर प्रेजेंट करें तो इसके अंदर जो प्रेजेंटिंग पार्ट है दैट इज शोल्डर और ये हमारे पास ट्रांसवर्स लाई है नैन नेक्स्ट इज एटीट्यूड एटीट्यूड कहते हैं कि फीटस के हेड की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसको हम कहते हैं एटीट्यूड अब जब भी फीटस का हेड मदर के पैलव में से बाहर की तरफ प्रेजेंट करेगा तो इनमें से किसी एक पोजीशन में भी वो प्रेजेंट कर सकता है यानी कि फीटस का जो हेड है वो या तो हाइपर फ्लैक्सड पोजीशन में मीन फुली फ्लैक्सड पोजीशन में प्रेजेंट कर सकता है या फिर डीफ्लैक्सड पोजीशन में या एक्सटेंडेड या हाइपर एक्सटेंडेड कोई भी एक फीटर्स के हेड की पोजीशन हो सकती है ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन अब जो पार्ट प्रेजेंट करेगा बेसिकली हमने उस प्रेजेंटिंग पार्ट का डायमीटर देखना है कि वो डायमीटर कितना है और कौन सा डायमीटर प्रेजेंट किया है अगर इस तरह से फीटर्स का हेड प्रेजेंट कर रहा है तो इस डायमीटर को हम कहते हैं सब ऑसिपिटो ब्रेगमा डायमीटर मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वाला हमारे पास मोस्ट कॉमन डायमीटर होता है जो प्रेजेंट करता है इसको हम कहते हैं सब ऑसिपिटो ब्रेगमा डायमीटर 9.5 सेंटीमीटर का होता है इसमें वर्टेक्स प्रेजेंट करती है और ये मोस्ट कॉमन डायमीटर है जो फीटस के हेड का प्रेजेंट करता है इसका मतलब मोस्ट नाइन्टी केसेस में जो फीटस है वो इस तरह से मदर के पैलव में से प्रजेंट करते हैं ठीक है थीके? अगर फीटस का हेड इस तरह से प्रेजेंट करेगा तो उस डायमीटर को अगर हम देखें तो ये होता है हमारे पास ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर 11.5 सेंटीमीटर का ये डायमीटर होता है ठीक है ये वाला डायमीटर ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर ठीक है इस प्रेजेंटेशन को हम कहते हैं मिलिट्री प्रेजेंटेशन इसको ये हमारे पास बेसिकली डीफ्लेक्स्ड पोजीशन होती है और ये होती है हाइपर फ्लैक्सड पोजिशन कि अगर फीटस की जो चिन है वो उसकी चेस्ट के साथ टच करे तो उस केस में फीटस इस तरह से प्रेजेंट करता है और ये हमारे पास डी फ्लेक्स पोजिशन है अगर फिटस इस तरह से प्रेजेंट कर रहा है तो ये एक्सटेंडेड पोजिशन है जब इस डायमीटर को हम देखते हैं तो ये बनता है हमारे पास सब ऑसिपिटो वर्टिकल या ऑसिपिटो वर्टिकल डायमीटर भी इसको हम कहते हैं इट इज़ थर्टीन सेंटीमीटर लॉन्ग ठीक है ये वाला लॉन्गेस्ट डायमीटर है जो प्रेजेंट करता है अगर इस तरह से फिटस मदर के पैलव में से प्रेजेंट करेगा दिस वन इज द लॉन्गेस्ट डायमीटर ऑसिपिटो वर्टिकल डायमीटर और अगर फीटस का हेड इस तरह से प्रेजेंट कर रहा है जिसमें उसका फेस बाहर की तरफ नजर आ रहा है तो अगर हम इस डायमीटर को देखेंगे तो दिस इज सब ऑसिपिटो ब्रेगमा डायमीटर 9.5 सेंटीमीटर का है इस केस में फीटस का फेस प्रेजेंट करेगा और इस प्रेजेंटेशन को हम कहते हैं ब्रो प्रेजेंटेशन। पोजिशन ऑफ फीटस बेसिकली जो पोजीशन ऑफ फीटस है वो मदर के पेल्विस के रिलेशनशिप में बताई जाती है अगर फीटस का जो फेस है वो मदर के पेल्विस के एंटीरियर साइड पे है तो उसको हम कहते हैं ऑसिपिटो एंटीरियर पोजीशन अगर फीटस का फेस मदर के पेल्विस के पोस्टीरियर साइड पे है तो उसको हम कहते हैं ऑसिपिटो पोस्टीरियर और अगर वो ट्रांसफर्स साइड पे है तो उसको हम कहते हैं ऑसिपिटो ट्रांसफर्स अब ये देखो ये हमारे पास मदर का पेल्विस है ये उसकी इंटीरियर साइड है प्यूबिक सिंफिस है और ये रैमस है और ये मदर के पैलविस की पोस्टीरियर साइड है अब ये हमारे पास फीटस का हेड है उसके पीछे साइड है और ये उसके फेस वाली साइड है अगर फेस वाली साइड मदर के पैलविस के इंटीरियर साइड पे है तो उसको हम ऑसिपिटो इंटीरियर कहेंगे इट कैन बी राइट और लेफ्ट ऑसिपिटो इंटीरियर मोस्ट कॉमन जो फीटस के हेड की मदर के पैलविस के साथ रिलेशन में जो पोजिशन होती है दैट इज ऑसिपिटो इंटीरियर पोजिशन अगर फीटस के हेड की जो पोजीशन है ये फेस की पोजीशन है वो मदर के पैलविस के पोस्टीरियर डायरेक्शन में है तो इसको हम कहते हैं ऑसिपिटो पोस्टीरियर डायरेक्शन और अगर फीटस के फेस की प्रेजेंटेशन मदर के पैलवस के ये हॉरिजॉन्टली है तो इसको हम कहते हैं ऑसीपिटो ट्रांसवर्स पोजिशन स्टेशन स्टेशन बेसिकली कि कितना फीटस का हेड मदर के पैलव में से डिसेंड हुआ है कितना नीचे आया है उसको हम लोग कहते हैं स्टेशन इसके लिए हम एक रेफरेंस पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं स्केल सुपाइन ये रेफरेंस पॉइंट है इस रेफरेंस पॉइंट के हम लोग इसके हिसाब से देखते हैं कि फीटस का हेड इसके ऊपर है या नीचे है अगर ऊपर है तो उसको हम माइनस के माइनस में रिप्रेजेंट करते हैं और अगर नीचे है तो उसको हम प्लस में रिप्रेजेंट करते हैं ये बेसिकली प्लस थ्री थ्री सेंटीमीटर अवे फ्रॉम स्केल सुपाइन ये इस तरह से बेसिकली इन्होंने लिखा हुआ है तो अगर तो ऊपर है तो ये हमारे पास ये मतलब ऊपर है तो इसका मतलब कि अभी फीटस का हेड प्रॉपरली एंगेज एंगेज होने के बाद डिसेंड नहीं हुआ जब भी ज़ीरो स्टेशन पे आ जाता है तब हम लोग इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी कर सकते हैं इन केस के अगर फीटस का हेड ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है तो उस केस में हम लोग जब तक ज़ीरो स्टेशन से ऊपर है तब तक हम लोग इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी नहीं कर सकते एट लीस्ट जीरो स्टेशन या ज़ीरो से वन या टू तक होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करने के लिए इस फिगर से आप मदर के पेल्विस की इनलेट मिड कैविटी और आउटलेट के रिलेशनशिप uh, भी देख सकते हैं ये हमारे पास इसको याद करने के लिए एक निमोनिक होता है टिप्स ये देखो ये हमारे पास से इनलेट मदर के पेल्विस की बात कर रही हूँ ये इनलेट है ये मिड कैविटी है और ये आउटलेट है इनलेट पे ट्रांसवर्स डायमीटर सबसे बड़ा होता है सो टी स्टैंड फॉर ट्रांसवर्स डायमीटर ठीक है और इस डायमीटर पे आप देखो सबसे आगे वाली साइड पे ये प्यूबिक सिंफिस है उसका रैमस है सॉरी उसकी प्यूबिक uh, सिंफिस का अपर पार्ट है और पोस्टीरियर साइड पे की प्रोमोंट्री होती है बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड पे तो टी स्टैंड डायमीटर आई स्टैंड फॉर इलियोपेक्टीनियल लाइन ये भी इस अपर पार्ट पे होती है यानी कि इनलेट पे होती है और पी स्टैंड फॉर प्रोमॉन्ट्री जो कि पोस्टीरियर साइड पे होती है इनलेट के पोस्टीरियर साइड पे प्रोमोंट्री होती है साइड पे इलियोपेक्टिनियल लाइन होती है और इंटीरियर साइड पे एस फॉर सिम्फेसिस प्यूबिस का अपर पार्ट होता है ये मिड कैविटी है जो कि स्केल स्पाइन उसकी साइड्स पे होते हैं और स्केल बोन उसकी साइड पे होते हैं और जो लोअर पार्ट यानी कि आउटलेट पार्ट ऑफ मदर पेल्विस है उसके साइड पे स्केल टब्रोसटीज होती हैं और ये रैमस ये रैमस है और ये स्केल टब्रोसटी है